वरकातु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मी बोमिलचा ठेसा आणि चावराची रोटी बनवते। पांच कांदे स्लाइस में काट के ली हूं, पांच टमाटर उसको क्यूब में काट के ली हूं। तेल लगेगा बनाने के लिए, नमक लगेगा स्वाद अनुसार, कोथमीर जाएगी इसके अंदर, वन टीस्पून हल्दी जाएगी, जीरा वन टीस्पून, और मैंने 50 ग्राम सेंगदाना ली हूं। अगर आपको सेंगदाना अच्छा नहीं लगता तो मत लीजिए, मैंने ली हूं। मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली हूं, मेरे घर में तेज कम खाते, अगर आपके घर में तेज ज्यादा खाते तो आप लीजिए। 20 से 25 लहसुन की कलियां ली हूं और 20 से 25 मैंने बोमिल ली हूं। मुझे छोटे बोमिल पसंद है, मैंने छोटे बोमिल ली हूं। आपको अगर जैसे बोमिल पसंद है वैसे आप ले सकते हैं। अब बनाने का तरीका बताती हूं। पहले बोमिल को साफ करेंगे, अच्छे से ये सब काट देंगे, इसकी जो ये पंख है वो भी काट के लेंगे और बोमिल के टुकड़े करके लेंगे। ये बोमिल के टुकड़े, ऐसी बोमिल के टुकड़े करके लेंगे। देखो ऐसी बोमिल के टुकड़े करके लिए हमने, अभी सारे करके आपको दिखाएंगे। देखो बोमिल काटकर हो गया है। तवा लेंगे, तवे में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और ये बोमिल को हमने 4 से 5 बार अच्छे पानी से धोकर लिया है। अभी ये तेल में हम डाल देंगे बोमिल और बोमिल को अच्छे से फ्राई करेंगे। उसकी जो स्मेल रहती है वो स्मेल जाने तक अच्छे से कुरकुरित करके लेंगे हम। बोमिल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कुरकुरित हो गए हैं, अभी हम इसको साइड में रख देंगे। लेंगे 1 टीस्पून तेल डालेंगे, 20 से 25 लहसुन की कलियां डालेंगे, मिर्ची उसमें डालकर अच्छे से उसको तल कर लेंगे। एक हमाम दस्ता लेंगे, हमाम दस्ते के अंदर लहसुन और मिर्ची तली हुई डालकर, नमक डालकर, कोथमीर डालकर दरदरा उसको कूटेंगे। कूट कर अच्छे से दरदरा कूट कर एक प्याले में निकाल लेंगे उसको। देखो हमने कैसा दरदरा। अब एक हमाम दस्ता लेंगे, हमाम दस्ते के अंदर हम अपने सेंगदाने जो है उसको डाल लेंगे और इसको अच्छे से कूट के लेंगे। सेंगदाना भुना हुआ ली थी मैंने, अभी सेंगदाने को मैंने अच्छे से कूट कर ली हूं। अगर आपको चाहे तो आप मिक्सर जार में भी इसको दरदरा पीस सकते हैं। मैंने इसको कूट के ली हूं ऐसा जाड़ा जाड़ा। अभी एक टोप लेंगे, टोप में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे और अच्छे से उसको तड़कने देंगे। अभी ये अच्छे से तड़क गया है, इसके अंदर अभी कांदा डालेंगे। कांदा डाल के अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा ही फ्राई करना है। आता बगा कांदा फोलून भिजलाय, आता अपन टमाटर टाकू, टमाटर टाकू बेस कमी ह्याला फोलून घ्यायचं। देखो अच्छे से भून गया है। अब हम ये जो ठेसा है लहसुन मिर्ची और कोथमीर का जो ठेसा है नमक का वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे टमाटर और कांदे में। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने जो ठेसा कूटे थे उसके अंदर ऑलरेडी नमक है और बोमिल में भी नमक होता है, तो इसमें अभी हम कम नमक डालेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे और ये हल्दी पाउडर है वो भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। 5 मिनट इसको भून के लिए है। अभी ये जो सेंगदाना है वो इसको डालकर भी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको सेंगदाना नहीं डालना है तो मत डालिए, ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब ये जो बोमिल है ये सारे बोमिल हम डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ढककर 10 मिनट पकाएंगे। बोमिल का ठेसा बनकर रेडी है। अब इसमें कोथमीर डालेंगे और इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। हमारा ठेसा बनके रेडी है। अब हम चावल की रोटी बनाएंगे। अब हम चावल का आटा गूंदेंगे। चावल के आटे के लिए हमने एक प्याला आटा ले लिए है, एक बड़ा प्याला, और नमक स्वाद अनुसार रहेगा उसके अंदर और पानी रहेगा। पानी हम लोग गर्म करके लेंगे, उसको ओतोनी बोलते हैं, ओतोनी लेंगे अभी हम। देखो 2 ग्लास पानी का ओतोनी ले ली हूं मैंने, अभी ये पानी उबल रहा है। अब हम इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद फिर गूंथ कर अब आटा गूंथ के लेंगे हम, अच्छे से आटा गूंथ देंगे।
आटा गुन के हो गया है, ऐसे ही नरम आटा गुनना है। अब आटे का हमने एक गोला ले लिया है। अब इसको हाथ की मदद से ऐसी करेंगे, हाथ की मदद से। देखो हाथ की मदद से हमने अल्टी पल्टी कर दिए इसको। अभी हम आटा डस्ट करेंगे। आटा डस्ट करके रोटी को इस पे डाल देंगे और फिर और आटा लगाकर उसको हल्के हाथ से बेलेंगे, एकदम हल्के हाथ से बेलने का इसको अच्छे से। हवा गर्म हो गया है, अभी हम रोटी डाल देंगे। रोटी डाल कर 2 मिनट उसको सेकेंगे, फिर उसको पलटी कर कर फिर 2 मिनट सेकेंगे। अभी रोटी सेक के हो गया है, अभी हम डिश आउट करके आपको बताते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।